उनका ध्यान रखना, आपको ये 17वीं पीढ़ी के आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखना होगा। फिर देखिए इसमें ब्रैकेट में बड़ा जो लिखा हुआ तारीख 1/7/2016 से, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको ब्याज निकालने के लिए तारीख दी गई है, यानी कि 31/1/7/2016 से ये लोन ली गई है, और कब तक उसको इसका ब्याज गिनना होगा आपको 31/3/2017, यानी कि आपको क्या निकालना है, ब्रह्मा की लोन पर ब्याज। तो इस तरीके से निकालेंगे ब्रह्मा की लोन पर ब्याज, ब्रह्मा की लोन पर ब्याज, लोन कितनी दी है 50,000, और हमें कैसे तारीख कैसे गिननी है, 1/7/2016 से 31/3/2017, तो कितने महीने होते हैं आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो आपको 7वें महीने से लेके और मार्च यानी कि 3रे महीने तक महीने गिनने, तो कितने महीने होंगे टोटल 9 महीने होंगे। तो 50,000 पर आपको क्या करना होगा, 9 महीने का ब्याज गिनना होगा। और लोन पर देखो ब्याज का यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया गया है, तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, पहले चैप्टर में देखिए पढ़ा ही होगा, उसमें दिया गया है अगर मान लो किसी साझेदार की लोन दी है और लोन पर ब्याज नहीं दिया गया है सवाल में, तो आपको कितना अनुमान करना होगा लोन के ब्याज का, 6%। तो वो हमें यहाँ भी वही अनुमान करना है कि इस लोन पर ब्याज हमें कितना गिनना है, 6%, यानी कि 50,000 × 6 भागे 100 और × 9, 9 महीने का निकाला ना, × 9 / 12, तो आपको इस प्रकार ब्रह्मा की लोन पर ब्याज कितना मिलेगा, तो मिलेगा आपको 2,250, यानी 2,250। तो इस प्रकार इसकी एक असर हमें कहाँ लिखनी होगी, एक असर तो लिखनी होगी हमें पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष के पक्ष में लिखना होगा, पूंजी दायित्व में ब्रह्मा की लोन पर ब्याज 2,250। और दूसरी असर हमें कहाँ लिखना होगा, तो दायित्व तो जो होता है एक प्रकार का नुकसान होता है, खर्च होता है, तो दूसरी असर सीधा आएगी लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। देखिए कौन सा खाता है ये, लाभ हानि खाता, कौन सा पक्ष है, उधार रकम का कॉलम दिया गया है और ये विवरण दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 2,250, कहाँ ये लिखेंगे ब्रह्मा की लोन पर ब्याज कितना 2,250, इस प्रकार हमें लिखना होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया है प्राप्त बट्टा कितना दिया गया है 400, प्राप्त बट्टा यानी एक प्रकार का हुआ ये आय इनकम, तो कहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में, प्राप्त बट्टा 400। फिर दिया गया है नेक्स्ट लेनदार कितना दिया गया, लेनदार आप सवाल में देख सकते हैं 25,000, तो लेनदार क्या होता है, लेनदार होता है दायित्व, तो हमें कहाँ लिखना होगा पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में, पूंजी दायित्व में लेनदार 25,000। फिर दिया हुआ है कमीशन 2,500, कमीशन का हम लोगों ने देखिए समायोजन देखा तो कमीशन उसी में एडजस्ट कर दिया था हम लोगों ने। फिर दिया हुआ है देनी हुंडी 5,000, जमा बाकी में देनी हुंडी दी है, देनी हुंडी यानी एक प्रकार का क्या हुआ है?